नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट जनरेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन कर दिया है। इस दिन पटेल जयंती है। जानकारी के लिए बता देंगे, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। चलिए बताते हैं। यह प्रतिमा अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है। इसकी लंबाई 182 मीटर है, यानी 597 फीट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की लंबाई 93 मीटर है। यह प्रतिमा गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई है और इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस प्रतिमा का कुल वजन 1700 टन है। इसके पैर की हाइट 80 फीट है, हाथ की ऊंचाई 70 फीट, कंधे की ऊंचाई 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। प्रतिमा का निर्माण रामवी सुतार की देखरेख में हुआ है। इस प्रतिमा को बनाने में करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसकी आधारशिला 31 अक्टूबर 2013 को पटेल की 132वीं वर्षगांठ के टाइम रखी गई थी, जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा भाजपा ने पूरे देश में लोहा इकट्ठा करने का अभियान भी चलाया था। यह स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रह सकेगा। इसके अलावा प्रतिमा 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी सह सकती है। इस प्रतिमा के निर्माण में भारतीय मजदूरों के साथ चीन के भी कर्मचारी ने भी हाथ बटाया है। लगभग 200 कर्मचारी इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं। इतना ही नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। ये लिफ्ट प्रतिमा की छाती तक पहुंचेगी। वहां से खड़े होकर नर्मदा नदी का नज़ारा देखा जा सकता है। इसमें लेज़र लाइटिंग की गई है, जिससे रात की रौनक अलग ही रहेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा को काफ़ी अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के जरिए बनाया गया है। इसे बनाने में 4 धातुओं का उपयोग किया गया है। इसमें बरसों तक जंग नहीं लगेगी। स्टैचू में 85% तांबा का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रतिमा के साथ 250 एकड़ में एक वैली ऑफ फ्लावर बनाया गया है। इसमें 100 से ज़्यादा तरह के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों के लिए खास तौर पर टेंट सिटी भी बनाई गई है। यहाँ 250 टेंट लगाए गए हैं, जहाँ गुजराती और आदिवासी खाने से लेकर नृत्य दिखाया जाएगा। प्रतिमा को देखने के लिए आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। टिकट की 2 कैटेगरी हैं, एक गैलरी देखने और एक बिना गैलरी वाली टिकट। अगर आप गैलरी, म्यूजियम और वैली ऑफ फ्लावर में जाना चाहते हैं और तो पूरा नज़ारा देखना चाहते हैं, तो 3 साल के बच्चों से लेकर वयस्क तक 350 रुपये की टिकट लेनी होगी और 30 रुपये बस के देने होंगे, यानी एक आदमी का खर्चा 380 रुपये होगा। तो दोस्तों बताइए, आपके क्या प्लान हैं? आप इसे देखना चाहते हैं या नहीं? आपके क्या विचार हैं? इस पर ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है या इसे बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए?